Hello, students. We will study about the chapter of English text. Chapter number 9, The Brook, means Nadi. So let's start the new chapter. I come from haunts of Koot and horns. I make a sudden sally and sparkle out among the fern to bicker down a valley. By thirty hills, I hurry down. A slip between the ridges by बाई throbs, a little town and half a hundred bridges. नदी अपने बारे में बता रही है कि मैं जो है शिकार करती हूँ जैसे कि तो यहाँ पर नदी जो है वो अपने बारे में बता रही है कि जो हन्ट्स का मीनिंग है वैसे तो यहाँ पर शिकार का होता है जब हम शिकार करते हैं लेकिन यहाँ पर मीनिंग दिया गया है एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का बार बार आना होता है ठीक है तो वो बोल रही है कि मैं वहाँ बार बार आती हूँ जहाँ पर यानी कि नदी एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बार बार आते हैं और किसी ने किसी का आना जाना लगा ही रहता है वहाँ पर तो वो वहाँ पर लोग किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है और वहाँ पर कोई ना कोई जैसे कि कूट एंड हर्न एक बर्ड है ब्लैक कलर के बर्ड होते हैं जो नदी किनारे आते ही रहते हैं सो so, उसने कहा नदी ने कि अचानक से कुछ ऐसा होता है जैसे कि कि नदी को एकदम से कुछ टर्न्स लेने पड़ते हैं कुछ मुड़ाव लेने पड़ते हैं अचानक से कुछ पानी का बहाव ऐसा होता है कि उसे आगे बढ़ते रहना पड़ता है तो जैसे कि अब जब सूर्य निकलता होता है और जो नदियों से और ऊपर से घाटियों से जब नदी नीचे की ओर आती है तो एक अलग सी चमक जो है पानी के अंदर दिखाई देती है तो जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो सूर्य की रोशनी की चमक जो है उसमें पड़ती है और वो वहीं से गिरती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है और जब नदी कहती है कि जब मैं आगे जा रही होती हूँ तो बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं कम बहुत सारी पहाड़ियाँ कम से कम थर्टी हिल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी में मैं जब आती हूँ तो वैसे रस्ते में पड़ती हूँ और मैं वहाँ से फिसलती हुई और चट्टानों से के बीच में से निकलती हुई आगे बढ़ती जाती हूँ और यहाँ पर थ्रॉप्स बताया है कि छोटे छोटे गांव जो होते हैं कम से कम बीस गांव से निकल कर मैं आगे बढ़ती हूँ छोटे छोटे शहर भी बीच में पड़ते हैं बहुत सारे पुल भी पड़ते हैं जिनसे गुजरती हुई मैं आगे की ओर बढ़ जाती हूँ टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स आई बेबल इन टू एडिंग बेज आई बेबल ऑन द पेबल्स यानी कि जो लास्ट में जब वो जाती है तो वहाँ पर फिलिप का जो फार्म होता है तो वो वहाँ से भी आ, बहकर गुजरती है और फिर आगे बढ़कर जो है एक छोटी जो नदी में मिल जाती है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ आते हैं और जाते हैं लेकिन मैं हमेशा वहीं पर रहती मतलब मैं वहीं से बहती हुई रहती हूँ मेरा तो काम जो है बहना है तो मैं रस्ते में ऐसी तरीके से हमेशा बहती रहती हूँ और जब नदी बहती है तो काफ़ी सारे चट्टान पत्थर से बहती हुई टकराती हुई आगे की ओर बढ़ती है तो वो कह रही है कि मैं इसी तरीके से उससे बात करती हुई आगे की ओर निकल जाती हूँ और जो तो बहुत सारे जैसे पत्थर जो भी आते हैं जब वो टकराती है तो एक अलग सी आवाज़ निकलती है और अलग से जब प्रेशर एकदम पानी का जब निकलता है तो तो वो जब बहती हुई निकलती है जोर से तो टकराती हुई तो अलग अलग आवाज़ें जो है वहाँ से आती हैं और झाग बनते हैं बहुत सारे घुमाव सर्कल्स में नदी इधर से उधर मुड़ाव लेकर आगे की ओर बढ़ती जाती है विद मैनी अर्व माई बैंक आई फ्रट बाय मैनी अ फील्ड एंड फॉलो फैलो एंड मैनी अ फेरी फॉर लैंड सेट विद विलो वीड एंड मेलो आई चैटर आई चैटर एज आई फॉलो फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे जो है मुड़ाव आते हैं नदी के किनारों से अचानक से मुड़ाव आता है तो नदी को वहाँ से मुड़ना पड़ता है उसे भी नहीं पता हुआ अचानक से जो है मुड़ाव के साथ उसको आगे की ओर मुड़ना पड़ता है ठीक है तो इस वजह से वो आगे की ओर मुड़ जाती है कभी खेत आते हैं कब कभी खाली खाली जो मैदान होता है वो आता है जहाँ पर बिल्कुल भी खेती नहीं की होती है तो इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें जो है पानी अपने साथ बहाकर आगे ले जाता है और वो इसी तरीके से दूसरी चीज़ों के साथ टकराती हुई बहुत सारी चीज़ों को लेती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है रिवर नदी में मिल जाती है और जो लोग हैं वहाँ आते हैं फिर चले भी जाते हैं लेकिन वो सदा इसी तरीके से बहती रहती है आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विद हेयर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हेयर एंड देयर अ लस्टी ट्रॉट एंड हेयर एंड देयर अ ग्रेलिंग यहाँ पर देखते हैं हवा के बारे में बताया कि हवा आती है जाती है और जब झोंके उसके तेज़ होते हैं तो पानी में भी लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं तेज़ तो इसी तरीके से जब उसमें जहाज़ या कोई नाव वगैरह चलती है तो आगे की ओर धकेलती है हवा से काफ़ी प्रभाव पड़ता है तो वो इसी तरीके से आगे की ओर बढ़ती जा रही है और पानी के अंदर जो है मछली ट्रॉट और ग्रेलिंग यहाँ पर मछली से बताया गया है तो फिशेज़ हैं वो एक तरह की तो वो भी उसके अंदर इधर उधर डुबकियाँ ले रही है एंड हेयर एंड देयर अ फॉर्मी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल विद मैनी सिल्वरी वाटर ब्रेक अपव द गोल्डन ग्रेपल अब यहाँ पर बताया गया है कि जैसे इधर उधर जब पानी की लहरें जाती हैं तो वहाँ झाक सा बन जाता है और वो उसके लहरों के अगेंस्ट ही जब वो ट्रैवल कर रही होती है नदी तो वो बीच में आता है या साइडों में चला जाता है साइडों में तरफ में हो जाता है तो बहुत सारी जो सिल्वरी जो वाटर ब्रीक यहाँ पर बताया गया है यानी कि जो पानी है जो फ्ले जब फ्लो करता है एक तरीके से बहता है तो उसमें ब्रेक आ जाता है ठीक है तो वो उस तरीके से गोल्डन ग्रेवल यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे जो राउंड स्टोन्स आते हैं उसमें मिक्स होकर वो Uh, मिट्टी भी मिक्स हो जाती है जिससे वो आगे की ओर पड़ जाते हैं यानी आपने देखा होगा रेत जो है वो गोल्डन कलर का रेत होता है वो पानी में फिर मिक्स होकर आगे की ओर पानी उसको भी अपने साथ ही बहा ले जाता है एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द रिवर ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स आई मूव द स्वीट forget गेट मी नोट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स आई स्लीप आई स्लाइड आई ग्लूम आई among अमंग माई swallows. I आई मेक द नेटेड dance डांस अगेंस्ट माई सैंडी शेलो यानी कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है जब जैसे कि नदी आगे की ओर सभी चीज़ों को साथ में लेकर वो फ्लो करती है आगे की ओर बहती रहती है और नदी में मिल जाती है तो बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं जाते हैं लेकिन वो हमेशा बहती रहती है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे ग्रासी जो प्लॉट होता है घास का मैदान वगैरह होता है तो वहाँ भी वो पानी है वहाँ उसको कवर कर लेता है वो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें आती हैं वो उसको अपने अंदर पानी आ, कवर कर लेता है और वो उसी में बहकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं तो फिर वो खुशी खुशी उसी के अंदर वो चले जाते हैं और जो नदी है वो बहती हुई और आगे की ओर बढ़ती जाती है तो वो काफ़ी जो सूर्य जब निकलता है तो वो सूर्य में पानी की परछाई जो दिखाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसमें डांस कर रहा हो इस तरीके से उसका प्रतिबिंब उसमें पड़ता है आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार इन ब्रैम्बली विल्डनेसिस आई लिंगर माई शलिंगी शिंगली बास आई लॉइट राउंड माई क्रेसेस एन आउट अगेन आई वेन फ्लो टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर तो यानी कि आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो मून एंड स्टार के अंडर में ही जो है नदी बढ़बड़ाती हुई आगे बढ़ती जाती है बेमली विल्डनेसिस यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारी जो यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हैं कुछ ऐसा उगा हो हुआ होता है साइड में और विल्डनेसिस यानी कि ऐसी जगह होती है जहाँ पर जिसे यूज़ नहीं किया जाता है वो खाली मैदान होता है तो इस तरीके की भी जगहें होती है वहां पर भी नदी जो है पानी का बहाव होता है वहां भी नदी निकलती हुई जाती है ठीक है और काफी सारी चीजें जो होती है वहाँ एक ऐसी जगह होती है जहां पर वो मूवलेस मतलब एमलेसली कोई लक्ष्य नहीं होता है, वहां ऐसा बहती जाती कहीं भी वो जा सकती है क्योंकि खाली मैदान होता है तो वो इस तरीके से कहीं तक भी अपने पानी को वो ले जा सकती है इसी तरीके से वो आगे की ओर फ्लो करती जा रही है को बहुत सारे मुड़ाव आते हैं बहुत सारे मोड़ आते हैं जहाँ से उसे मोड़ लेना पड़ता है और वो जाकर आगे किसी नदी में मिल जाती है तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ आते हैं और जाते हैं लेकिन नदी जो है वो सदा के लिए आगे की ओर बहती रहती है